हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में टोटल 3 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक अभी हम कर रहे हैं। इसकी यूनिट 2 यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। आज मैं इसकी यूनिट 3 आपको करवाऊंगी, लर्नर विद स्पेशल नीड्स। तो ये टॉपिक हम करेंगे, यूनिट 3 है आपके पास में और ये रही यूनिट 3। सो यूनिट स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। यूट्यूब का ना एल्गोरिथम है कि आप अगर वीडियोस को लाइक करते हैं ना तो फिर वो ऊपर आ जाती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और जितना शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स जेन्युइन लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, इतना सपोर्ट मिल रहा है आप सबसे, तो मैं भी आगे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस से रिलेटेड डालूँ और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत ज़्यादा आप सबकी हेल्प करूँ। नाउ लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए पहले। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हैंडीकेप्ड, जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, फिजिकल हैंडीकेप्ड है, किसी को सुनाई कम दे रहा है, कोई लिखने में इनकैपेबल है, या किसी को दिखाई कम दे रहा है, आई साइड वीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है। फिजिकल हैंडीकैप्ड वो जिसको, जिस बीमारी को, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम दिखती है सामने से, तो उसके अलावा भी ना कुछ ऐसी डिसेबल कंडीशंस होती हैं बच्चों में, जिसकी वजह से वो एक स्लो लर्नर बन जाते हैं। तो इसकी वजह यही होती है, या तो उनको चीज़ें कम समझ में आ रही हैं, या फिर टॉपिक्स उनको क्लियर नहीं हो रहे हैं, या फिर वो उनको इतने टफ लग रहे हैं कि जिससे वो उस चीज़ों से भाग रहे हैं। तो ये कोई भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है किसी भी लर्नर को स्लो लर्नर बनने के लिए। अब यहाँ पे आपको बता रखा है लर्नर विद अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, यही चीज़ें हम इसमें आगे एक चैप्टर में, यूनिट में पूरा कवर करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द ईच लर्निंग डिसेबल चाइल्ड हैज़ एन इंडिविजुअलिटी एंड अ यूनिक कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज़ कम्पोज टू द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब हर एक बच्चे की ना स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अलग अलग होती है। हो सकता है किसी को कोई सब्जेक्ट वीक लगे, हो सकता है किसी को राइटिंग पोर्शन में बहुत मज़ा आता हो सकता है किसी को लर्निंग बहुत पसंद हो। तो हर एक स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हिम और हर इंटरेस्ट, मतलब उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, पढ़ना लिखना क्या चीज़ पसंद है, रीडिंग बहुत पसंद है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत पसंद होती है लेकिन सिलेबस की रीडिंग पसंद नहीं है उनसे, बाकी आप चाहे कुछ भी रीड करवा लो, चीज़ें पढ़वा लो, समझा देंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी है कि सबकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ये क्या होती है, बहुत अलग अलग होती है और इनकी एक यूनिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब यहाँ पे कुछ आपको बेसिस दे रखे हैं जिसके बेसिस पे जो एजुकेशनल नीड्स है वो बताई जाती है, जैसे डिस्क्रिप्शंस ऑफ द चाइल्ड फंक्शनिंग। चाइल्ड फंक्शनिंग्स में क्या होता है, स्ट्रेंथ है किसी की, वीकनेस है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सपोज आपको मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो वो क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है। किसी भी एग्जाम में मैथ्स आती ही आती है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देते हैं, आपका मैथ्स इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है। वहीं पर आपका अगर वीकनेस है, वीकनेस कैसे, जैसे आपको मैथ्स और इंग्लिश आती है लेकिन टाइम ज़्यादा आप लेते हैं, तो वो क्या चीज़ हो गई, आपकी वीकनेस हो गई। तो उस चीज़ पे आप वर्क करके इन दोनों को एक कोलैबोरेट कर सकते हैं। फैक्टर्स इन चाइल्ड एनवायरनमेंट, उसके अलावा जो एनवायरनमेंट होता है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि जो हाई क्लास सोसाइटीज़ हैं या आपके पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, तो आसपास में जो आपका एटमोसफेयर है वो भी कैसा रहेगा, एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। आपको कोई भी डाउट्स हैं, आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाएगा, आपके डाउट्स जल्दी दूर हो जाएंगे। वहीं एक ऐसी फैमिली जिसके पेरेंट्स वर्किंग है, ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स वर्किंग और वर्किंग भी कोई एजुकेट सेक्टर में नहीं, मतलब कोई लेबर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं कर पाते पढ़ लिखने के लिए। और अगर बच्चा बार बार फेल भी होता है या तो इतना तो उसको चांस ही नहीं मिलता, तो उनको अपने साथ काम पे लगा लिया जाता है। तो एनवायरनमेंट जो है ना बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक है, एक बच्चा स्कूल से घर पे गया और उसके बाद भी उसने वही चीज़ें सब कुछ स्कूल से रिलेटेड पढ़ाई और बेसिक एथिक्स और जो भी फंक्शन वगैरह है वो सब देखी। एक बच्चा गया स्कूल से घर जिसने सिर्फ काम वगैरह ही देखा, तो उसमें ऑब्वियसली जो स्किल्स है ना, जो चीज़ें देख रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हमारे अंदर आने लग जाती हैं। इसके अलावा रेलेवेंट एस्पेक्ट होना चाहिए चाइल्ड हिस्ट्री का, मतलब कि यहाँ पे कोई जो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स होते हैं उनकी क्या स्किल्स हैं, क्या उनका क्लाइमेट है, किस तरीके का कल्चर है, तो वो चीज़ों की भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी चाहिए। अब इसमें जो इंटरवेंशंस है जो एम करते हैं वो क्या क्या है, जनरल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, किसी का जो वीक पॉइंट है, किसी पर वर्क करना है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ इसके अलावा कुछ बच्चों की कुछ स्पेशल वीकनेस होती हैं कि अगर कोई चीज़ दो बार तीन बार समझाने से समझ आती है तो उसको ओवरकम किया जा सकता है कि टीचर्स उसको बार बार रिपीट कर दे, टीचर्स नहीं तो क्लासमेट्स इस चीज़ में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो जो चाइल्ड की प्रोग्रेस है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर जाती है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड्स एंड अप्रोचेस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड्स और अप्रोच लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को क्लास में, जितने भी बच्चे हैं उनको सबको एक तरीके से समझ में आए, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और तरीके अपना के बच्चों को वो चीज़ को क्लैरिटी करी जा सकती है।
लर्नर्स में है बा, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि सपोज अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उसके पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर दी, मतलब कुछ पिक्चर्स इमेजेस दिखा दी जिससे उनको समझ में आ जाए चीज़ें, क्योंकि पिक्चर्स जब आप देखते हैं ना तो फिर रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, या फिर कुछ राइम्स वगैरह पोएम की फॉर्म में लर्न करवा दिया, जैसे कि जो पीरियोडिक टेबल है, या फिर कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं कंट्रीज़ वगैरह होती है, तो इनकी बहुत सारी ना शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं जो SSC वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या है ट्रिक्स दे दी जाती हैं, तो उससे आपको वो चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ने का मन भी करता है और चीज़ें समझ में भी आने लग जाती हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे बता रखा है, कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं और कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स जो आसपास में चीज़ें आपको दिख रही हैं सराउंडिंग्स में, और साइकोलॉजिकल जो आपके माइंड से रिलेटेड होती हैं। तो इन स्किल्स को डेवलप किया जाए ड्यूरिंग असेसमेंट, तो टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स में भी काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग दे रखे हैं जो कि लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड्स के लिए आता है, जैसे कि मीनिंगफुलनेस हो गया, डेवलपिंग सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, टीचिंग टू द चाइल्ड्स लेवल हो गया। मतलब कि टीचर्स को भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि अगर उन्होंने कोई थ्योरी या लॉ समझा दिया तो उसको बस उतना ही समझा दिया। हर एक बच्चे का अलग अलग लेवल होता है, कुछ को डिफिकल्ट वर्ड्स जल्दी समझ में आ जाते हैं, कुछ को नहीं समझ में आते, उनको और ईजी वे में लाना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है वर्ड्स को। तो ये चीज़ टीचर्स के ऊपर होता है कि उनको चाइल्ड लेवल पे, बच्चे के लेवल पे उन चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, सम कॉमन डेफिसिट्स ट्रेड डिफेक्ट, आपने नाम सुना होगा, इसी से ही वर्ड आया है, सम कॉमन डेफिसिट्स नोटिस अमंग लर्नर्स। लर्नर के बीच में कुछ डेफिसिट्स को नोट किया गया, जैसे कि लैंग्वेज दिक्कत देती है उनको, या फिर परसेप्शन या बिहेवियर, रीडिंग में दिक्कत आती है, कुछ को स्पेलिंग एरर होता है, कुछ को चीज़ें बोलनी और समझ में आ जाती है लेकिन राइटिंग स्किल्स बहुत पुअर होती हैं, और न्यूमरेचर। तो ये सब चीज़ों के ऊपर अगर वर्क किया जाए किसी भी सेक्टर में किसी भी बच्चे के ऊपर, तो वो इन सब चीज़ों से, वो फियर है या गैप है या फिर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनसे वो ओवरकम कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा यहाँ पे दे रखा था, इसी से चेक योर प्रोग्रेस वन रिलेट करता है, जिसमें भी आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं चेक योर प्रोग्रेस का वन, हु इज़ अ लर्नर विद अ स्पेशल नीड्स, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई सच लर्नर्स। जो लर्नर्स होते हैं ना विद अ स्पेशल नीड्स, क्या होते हैं, कौन होते हैं और उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि पुअर कम्युनिकेटिव बिहेवियर, जो कम्युनिकेशन बिहेवियर है मतलब आपस में बातचीत करना, तो वो बहुत ही पुअर हो, डिफ़िकल्टीज होती हो रीडिंग्स में, जैसे कि अटक अटक कर करते हो, या वर्ड्स को प्रोनाउंस करना ठीक से नहीं आ रहा, स्पेलिंग वर्ड्स की लिखी हुई क्या है वो समझ में नहीं आया, और स्पेलिंग्स पढ़ ली तो उसको कंबाइन करके कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो समझ में नहीं आ रहा, वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, पुअर लर्नर्स में आती है। राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, लिखते वक्त स्पेलिंग बहुत एरर करते हैं, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं है, कहीं पर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, ग्रामेटिकल एरर बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें किसमें आती है, राइटिंग में। इसके अलावा पुअर कम्युनिकेटिंग बिहेवियर, देखिए दो बार पॉइंट रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप कर लीजिएगा। प्रॉब्लम्स इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर्स एंड इन वर्किंग विद नंबर्स, मतलब जो नंबरिंग का कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसे नॉर्मल नंबर हो गया, प्लस माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, तो मैथमेटिकल एबिलिटी होती है उसमें किसी को बहुत दिक्कत आती है। तो इन सब चीजों के बाद में आपको समझ में आता है कि ये जो बच्चा होता है वो स्पेशल नीड्स का है, मतलब कि वो पुअर लर्नर है, और इन चीजों पर, इन फैक्टर्स पर अगर ओवरकम किया जाए तो वो अपने आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी और कोई पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इसके अलावा वर्ड्स हैं, इमेजेस हैं, उनको आपने गलत तरीके से कैप्चर किया, समझ में नहीं आया या प्रोनाउंस ठीक से नहीं किया, तो ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। इसके बाद में गाइस सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई अ सिंगल मेजर कैनॉट बी यूज यूनिफॉर्मली फॉर लर्नर्स विद अ स्पेशल नीड। अब जो सिंगल मेजर है ना उसको क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता। देखिए आंसर मैंने पेज नंबर 41-42 पे लिख दिया, बट इसका आंसर आप खुद भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले तो एक बार देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हीं को आपको कॉपअप करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है जो सिंगल मेजर होता है उसको क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता। इसकी वजह यह है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पे देखिए, हर किसी में ना एक डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, यूनिक कॉम्प्लेसिटी होती है, मतलब जो हर एक बच्चे की ना अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है, अपनी अलग वीकनेस होती है, तो हर किसी पे सेम तरीके से वर्क नहीं किया जा सकता। ये वजह है कि उनको ध्यान में रख के ही आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मानिए आपका ना लर्निंग पोर्शन स्लो है, तो आप बार बार रीडिंग कर रहे हैं, तो उससे ये नहीं होगा ना कि आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी, या राइटिंग स्किल्स वीक है, तो बार बार पढ़ने से या आंसर लर्न करने से राइटिंग स्पीड तो नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है कि किसी का जो लर्निंग कैपेसिटी है, कोई भी जो चीज़ है, पोर्शन किसी का कोई वीक होता है, किसी में कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी में कोई वीकनेस होती है, तो उसके ऊपर सेपरेटली वर्क करना पड़ता है। कोई सिंगल मेजर एक यूनिफॉर्म वे में काम नहीं कर सकता है।
थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ टीचर नीड टू डिसाइड बिफोर प्लानिंग अ रेमिडेशंस, मतलब जो टीचर्स हैं उनको क्या क्या डिसाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन निकालते तो उनको क्या क्या चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए। आंसर आप इन पॉइंट से ले सकते हैं कि लैंग्वेज किसी का लैंग्वेज में दिक्कत हो सकता है, किसी का बिहेवियर दिक्कत हो सकता है, रीडिंग स्किल से दिक्कत कर सकते हैं, स्पेलिंग, सो इन सब फैक्टर्स के ऊपर वर्क करके टीचर को एक कंबाइंड वर्क प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ता है हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो एक स्ट्रेंथ होती है क्लास में 35 से 40 स्टूडेंट, हर कोई इक्वल नहीं होता, सबकी स्कोरिंग और सब किसी ना किसी फील्ड में अच्छे होते हैं, तो उनका जो मोरल होता है उसको बूस्ट करना चाहिए, एनकरेज उन्हें करते रहना चाहिए। गाइस चेक योर प्रोग्रेस 1 कंप्लीट हो गया, अब करते हैं चेक योर प्रोग्रेस 2, इसी में साथ में ही करवा देती हूँ मैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज। अब यहाँ पे आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, जैसे या ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड अ स्पीच डिफ़िकल्टीज अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस, जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनमें बेसिकली ये जो लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी है या स्पीच डिफ़िकल्टीज होती है वो देखने को मिलती है। जब एक पर्टिकुलर एज के बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो वहाँ पे लैंग्वेज और ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि आपको जाना होता है एग्जाम देके आ जाना होता है, तो आंसर्स लिखने होते हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ में जैसे जैसे आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, तो ये सब चीज़ें ना आप में धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपने आप ओवरकम करने लग जाती हैं। मानिए आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे कोई हिंदी बोलता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको भी ना इंग्लिश आने लग जाएगी, तो एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत रोल मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ये सब चीज़ें ना तो कैप्चर करनी आती हैं ठीक से, ना वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। सम ऑफ दीज चिल्ड्रंस आर जस्ट स्लो टू डेवलप वाइल सम मे हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेफिस। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके अंदर ये स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके अंदर कुछ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट्स होती हैं जिसमें लर्निंग प्रॉब्लम हो गई है, या फिर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है वो बहुत स्लो होती है, चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते, मैथ से डर लगता है, तो कुछ इस तरीके की फिजिकल चीज़ें भी आती हैं। और कुछ ऐसे स्लो लर्नर्स होते हैं जिनको चीज़ें समझ तो आती हैं लेकिन एक ज़्यादा टाइम लेने के बाद, जैसे कि मैं एक बहुत स्लो लर्नर हूँ, मुझे बहुत बार चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद में मुझे चीज़ें समझ में आती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे कि कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं और कुछ मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप स्लो लर्नर भी हैं तो आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चाइल्ड लैंग्वेज इज़ फुली फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे बता रखा है जो एक बच्चा है ना उसकी लैंग्वेज 4 to 5 years में अच्छे तरीके से फॉर्म्ड हो जाती है, और वो जो ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस होते हैं इनके यूज़ करने के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं, बट ये हर सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स या हाई क्लास सोसाइटीज़ होती है वहीं पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एट द एज ऑफ 7 बच्चा अच्छे तरीके के सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा है, और उसमें ये कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी जैसे कि नेगेटिविटीज़ को यूज़ करना आता हो, या फिर जो टेंस है उनको ग्रामर को उनको करेक्टली यूज़ करना होता हो, जो एक्सप्रेस करें आइडियाज़ है सेंटेंस है वर्ड्स, चाहे इंग्लिश में बोल रहे हैं सेंटेंस हिंदी में बोल रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं एट द एज ऑफ 7। ये चीज़ आपको तभी मिल सकती है, वैसे यूजुअली बच्चों में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ द टीचर इज़ अवेयर ऑफ दिस माइलस्टोन, अगर टीचर्स भी इन चीज़ों को कैप्चर कर पाते हैं कि किसी बच्चे में ये चीज़ की लैकनेस है, इसमें ये चीज़ की कमी है, तो वो उनको इस चीज़ को ओवरकम करके और टाइम रहते ही बच्चों में ये इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जब एज बढ़ती जाती है और टाइम निकलता जाता है तो उसके बाद में इन चीज़ों को हम ओवरकम नहीं करते, हम सिर्फ चीज़ों को छुपाने लग जाते हैं। जब आपने कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग से होती है ना तो आप उससे कॉपअप कर सकते हो, उससे जीत सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद में जब वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो फिर हम उससे ओवरकम करने की बजाय हम उससे भागने लगते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आपको मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं है, कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, कोई भी आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो क्या होगा अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं है ना, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे कि हाँ नहीं आप ये सोच लें कि मुझे करना ही करना है, तो वो धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। आप उसके लिए अलग अलग वीडियोज़ टीचर्स को दे सकते हैं, टीचर्स के पॉइंट्स ले सकते हैं जिससे आपको वो टॉपिक समझ में आने लगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप उस सब्जेक्ट से भागने लग जाएंगे कि नहीं आपको तो टफ लगेगा आपको पढ़ना ही नहीं है, तो बाद में वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने जैसा बन सकता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेती हूँ, 12th तक ना उनको ना मैथ्स पसंद नहीं होती है, तो जैसे तैसे करके 10th तो निकाल देते हैं और उसके बाद में 11th 12th में वो मैथ्स नहीं लेते, लेकिन फिर बाद में उनको गवर्नमेंट जॉब की भी एक चाह होती है कि नहीं हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर उस टाइम पे उनको अगेन मैथ्स पढ़नी पड़ती है। मतलब कि आप किसी भी चीज़ से भागने का ट्राई करेंगे ना, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इससे मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, आप किसी भी चीज़ से भागने का ट्राई करेंगे ना डेफिनेटली आपको एक टाइम लाइफ में ऐसा स्टेज आएगा जब आपको वो चीज़ फेस करनी ही करनी पड़ती है, तो भागिए किसी भी चीज़ से नहीं, थोड़ा कम करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहिए, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। अब टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको ना क्लासिफिकेशन दे रखी है स्पीच और लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ साउंड, जिसमें हम साउंड्स के ऊपर वर्क करते हैं। इसके अलावा ग्रामर होता है या जो मीनिंग होता है। इन तीन बेसिक फॉर्म्स में वर्क किया जाता है, साउंड पे, ग्रामर पे और वर्ड के मीनिंग के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जैसे कि देखिए, क्लासिफाई स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्शन एंड प्रोड्यूसर। अ चाइल्ड मे हैव अ डिफिकल्टी इन रिसेप्शन ड्यू टू डीफनेस, मतलब किसी को सुनाई नहीं देता, चीज़ें कम समझ में आती है, कम सुनाई देता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो रिसेप्शन प्रोसेस है उसका स्लो हो, तो उसके लिए आपको साइन लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब हर एक के लिए ना एक अलग अलग टाइप की लैंग्वेज होती है, अलग अलग तरीके की डिफ़िकल्टीज बच्चे को लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आती है। यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, जैसे कि कोई चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये एक तरीके का फोबिया हो गया, एग्नोसिया में हो गया, या फिर जैसे कि स्पीच प्रॉब्लम होती है कि आपको बोलना नहीं आ रहा, आप चीज़ें समझ रहे हैं, लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाना नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो लैंग्वेज प्रोडक्शन है या लैक ऑफ फ्लुएंसी है, कोई चीज़ है उसके ऊपर कमांड नहीं है, हेजिटेशन होती है, फ्लुएंसी नहीं है, अपने वर्ड्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर द टीचर्स अ कॉमन प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड इन अ सिंपलर मैनर। तो एज अ टीचर कुछ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दे रखे हैं जिनको सिंप्लीफाइड मैनर में क्लासिफाई किया जाए, जैसे कि रिसेप्टिव डिफिकल्टी हो गया, लैंग्वेज डिफिकल्टीज हो गया और स्पीच प्रॉब्लम। स्पीच का मतलब हो गया वॉइस, फ्लुएंसी, बोलना, और लैंग्वेज डिफिकल्टीज का मतलब हो गया कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, मतलब कोई चीज़ है, कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, उसको कोड डिकोड करना, अपनी लैंग्वेज में सीखना, तो ये चीज़ें ईजी होती है, लेकिन एक अदर लैंग्वेज अगर आपको दे दी जाए तो उसमें आपको डिफिकल्टीज आती। इसके अलावा जो रिसेप्टिव डिफिकल्टी होती है, सपोज कोई डीप है, बहरा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को पार्शियल हियरिंग है, कम सुनाई देता है, तो उसको ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको सबका नहीं पता कि किसको कितना सुनाई देता है। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब जो साउंड्स रहता है उसमें क्लैरिटी नहीं होती, जैसे कि कुछ लोग ना श को स बोलते हैं, तो ये भी क्या है, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपके पास में थ्री टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज आती हैं। पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि चेक योर प्रोग्रेस में आपको क्वेश्चन गिवन है। अब आगे करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ इन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। जो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसमें किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं। ऑडिटरी का मतलब होता है कोई चीज़ सुना, जैसे ऑडियो और वीडियो होता है ना, तो ऑडियो का मतलब क्या है, कोई चीज़ आप सुन पा रहे हैं। नाउ ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्पीच साउंड, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ रिफ्लेक्ट पुअर रीडिंग एबिलिटी, मतलब कि किसी की जो रीडिंग एबिलिटी है वो बहुत पुअर है, क्वालिटी बहुत ख़राब है, बच्चा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है, मिस्टेक्स को जज नहीं कर पाते हैं, तो ये इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। चिल्ड्रन ऑफन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, ये कुछ वर्ड्स आपको अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं जिसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, जैसे कि सी, के, जी, बी, पी एंड टी डी। तो इन वर्ड्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज बाय द डेवलपमेंट हियरिंग कॉज परसिस्टेंट बेबी टॉक लर्नड इम्यूनिटीज सॉरी इमेच्योरिटीज एंड प्रॉब्लम अकरिंग इन द चाइल्ड लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो बच्चा होता है ना, हम भी ना बच्चों के साथ में उनकी लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है। हमें उनसे काफ़ी मेच्योरिटी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो वर्ड्स को वही कैप्चर करने लग जाते हैं। कुछ में होता है कि एक टाइम के बाद में उनमें ये चेंजेस अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ में जो वर्ड्स हैं या कोई डिफ़िकल्ट अल्फ़ाबेट है उसको लेके प्रोनंसिएशन ना लाइफ लॉन्ग ऐसी ही जाती है। सो यहाँ पे कुछ टीचर्स के स्टेप दे रखे हैं कि किन किन तरीके से जो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ टीचर। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है सेम और डिफरेंट। इट दिस इज़ एन एक्टिविटी इन विच अ चाइल्ड हैज़ टू से वेदर द वर्ड इन अ पेयर आर द सेम और डिफरेंट पार्ट। मतलब कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, जो ये अल्फ़ाबेट जिनके अंदर साउंड की दिक्कत होती है, इन वर्ड्स को ना कंबाइन करके टीचर्स को रीड करवाना चाहिए प्लस प्रोनाउंस करवाना चाहिए, जैसे पार्क हो गया, पार्ट हो गया, इनमें डिफरेंस एक साथ, या फिर जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना स्पेशली, वो वैसे ही टॉपिक आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको यही बता देती हूँ कि जो डिफरेंट डिफरेंट या सेम वर्ड्स होते हैं उनको एक साथ में बुलवाना चाहिए, जिससे वो इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझ पाए, मतलब समझ में आए उन्हें। इसके बाद में आता है लिसनिंग गेम्स। जो लिसनिंग है ना, उससे बहुत बहुत मतलब कि जो लिसनिंग गेम्स होती हैं, लिसनिंग से बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में। मतलब कोई चीज़ को आप सुन के समझ पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है, जैसे कि चाइल्ड लिसन टू अ सीक्वेंस ऑफ साउंड्स एंड रिपीट लिसन एंड नोटिस द कॉमन साउंड, मतलब कि बार बार साउंड को रिपीट करना या सुनना, और उसके बाद में जो
साउंड नोटिस किया उसको कैप्चर करके समझना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फोनिक एक्टिविटी गेम्स, जैसे कि जो वर्ड्स होते हैं जिनकी बिगनिंग सेम हो या एंडिंग सेम हो उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, लाइक कॉल कॉल दोनों वर्ड्स कॉमन होते हैं, और इसके अलावा सेल और सेल, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना इनमें ऐसी एक्टिविटीज़ गेम होनी चाहिए, राइमिंग गेम, जैसे कि पोएम वर्ड्स होते हैं ना, प्रोड्यूसिंग राइमिंग वर्ड्स, सो इनमें ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ में आता है और ये काफ़ी बेनिफिशियल हो पाते हैं। और राइमिंग्स जो होती है ना पोएम्स की फॉर्म में होती हैं, उनको पढ़ने में भी मज़ा आता है, एक फ़न सा क्रिएट हो जाता है, तो जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए शायद आपने कभी नोटिस भी करा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना जिन्होंने स्कूल जाना भी ठीक से स्टार्ट नहीं करा होता, उनको ना पोएम्स बड़ी सिखाई जाती हैं कि पोएम सुनाइए, ये इस तरीके से वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स बाद में, लेकिन उनको पोएम्स ना लर्न करवाई जाती है, उसके बाद में उसको रीड करना, ये सब चीज़ें बाद का प्रोसेस होता है। इसके अलावा आता है एलिट्रेशन, जैसे कि टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, सेम सेम वर्ड्स से स्टार्ट होना है, लाइक हिंदी में मैं आपको बताती हूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इस तरीके से क्या ये एलिट्रेशंस में आते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को पढ़ने में भी बच्चों को डिफरेंस क्लियर होता है, सेम सेम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे उन्हें बोलते वक्त या स्पीड में कोई चीज़ हो तो उसमें कैसे डिफरेंस क्रिएट करना है। स्पेशली जो डिफरेंस या दिक्कत बच्चों में देखने को मिलती है वो श और स में होती है, कॉन्टिनेशन में जब बोलते हैं ना तो श और स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ वर्ड्स फैमिलीज हैं उनको भी रिपीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो आंसर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, वैसे अभी मैं आपको चेक योर प्रोग्रेस दोबारा से एक बार बता दूंगी, लेकिन बस चीज़ों को आप समझते चलिए। इसके बाद में सेकंड आता है डेवलपमेंट लैंग्वेज डिसऑर्डर, अभी हमने पढ़ा ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, इसके बाद में लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है। चिल्ड्रन विद अ लैंग्वेज डिसऑर्डर डिस्प्लेजा, अब जिन बच्चों में जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है ना, जो स्पेशली बैकवर्ड होते हैं लैंग्वेज में, उनको कि यहाँ पे ये चीज़ बता रखी है कि उनको ज़्यादा प्रोनंसिएशन नहीं पता, एटमोसफेयर ऐसा नहीं है, वर्ड्स का इतनी नॉलेज नहीं है, तो उस टाइम पे उनको काफ़ी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, कोई वर्ड है कुछ लिखा हुआ है उसको समझने में डिफिकल्टी होना, लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी होना, या फिर जो प्रोड्यूसिंग होता है, यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे कि मानिए ये सेंटेंस है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसको इसका इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा होगा, और बहुत ऐसे होंगे जिसको वर्ड्स तो समझ में आ रहे होंगे लेकिन इसको एग्जैक्टली कैसे पढ़ते हैं या प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो हर किसी का अपना एक लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा जो रिदम होती है स्पीच और फिजिकल एक्टिविटीज़ की, लाइक डांसिंग, तो उस टाइम पे डिफ़िकल्टीज होती है इन दोनों को एक साथ एक्सप्रेस करने में, या फिर जो पुअर एक्सप्रेशन होता है ऑडिटरी परसेप्शन का, जो चीज़ आपने सुनी उसको वर्ड्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और जिस तरीके से बेबी टॉक होती है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें फेस करने को आपको मिलेंगी। तो ये जो होते हैं डेवलपमेंट लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं। बाय कंपेयरिंग द चाइल्ड स्पीच स्ट्रक्चर विद द नॉर्मल स्पीच स्ट्रक्चर, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं और जो नॉर्मल स्पीच स्ट्रक्चर होता है वर्ड्स का, उनके कंपैरिजन से आपको ये चीज़ समराइज हो जाएगी कि जो चाइल्डली लैंग्वेज होती है, जो बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, वो किस तरीके से इसे रिलेट करती है, उसमें किस तरीके का डेफिट देखने को मिलता है, किस तरीके का स्लो प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। वी ऑल्सो नीड टू स्टडी द चाइल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड लुक फॉर द फॉलोइंग क्यूज़, यहाँ पे आपको कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे वेदर ही और शी आंसर क्वेश्चंस और नॉट, वेदर ही और शी इनिमेट्स वेल और नॉट, वेदर द चाइल्ड इंगेज इन कॉन्वर्सेशन स्पॉन्टेनियसली और नॉट, मतलब ये भी यहाँ पे आपको कुछ और डिफरेंसेस या कुछ और दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। जैसे सपोज आपने कोई चीज़ पढ़ी है, कोई टॉपिक क्लियर हुआ है, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नई डिबेट टाइप में होता है ना कि आप क्लास में कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ये सब चीज़ें आपको लैंग्वेज डिसऑर्डर में देखने को मिलेंगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस इंटरवेंशंस, लैंग्वेज इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद द थिंकिंग, यहाँ पे ये चीज़ बता रखी है कि जो चीज़ आप सोचते हैं ना वही चीज़ बोलने लगते हैं। जैसे कि सपोज आपको ना सेंटेंस मेक करना है, आप हिंदी में जब बोलते हैं तो इंग्लिश, हिंदी हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, वो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, आसपास का सराउंडिंग ऑलमोस्ट हिंदी का होता है, तो जो भी थॉट्स होते हैं चीज़ें होती हैं वो हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यूनिट है, यूनिट के जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं डायरेक्ट इंग्लिश में ऐसे ही बोलते जाऊँ जो जो इसमें लिखा हुआ, तो हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आए कि क्या इसमें एग्जैक्टली पूछा गया है, क्या इसमें समझाना चाहता है,
क्या इसमें ऑथर ने लिखा हुआ है, तो चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी क्या यहाँ पे बात करी जा रही है। लेकिन अब ये चीज़ हो सकती है कि मैंने इंग्लिश में रीड किया उसके बाद में हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो जो मेरे बोले हुए वर्ड्स हैं वो आपके माइंड में रहे और आपके एग्जाम में ये चीज़ बेनिफिशियल हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो आपको हर वर्ड जो इंग्लिश में रीड करा वो समझ में आता है। ये हर चीज़ का एक के ऊपर मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का समझ में आता है। तो यहाँ पे थिंकिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप इंग्लिश में वर्ड्स को सोच पाते हैं, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग है, चीज़ों को इंग्लिश में आप देख पाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो होता है ये इंटरवेंशंस में आता है कि जो लैंग्वेज है वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स दे रखे हैं जो इन चीज़ को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जैसे डिस्कशन ऑन वेरियस इवेंट्स एंड एस्पेक्ट्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। कोई चीज़ आपने पढ़ी है, कोई इवेंट्स है, उसके बारे में बात करना, डिस्कशन करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पुट करना, स्टूडेंट्स को इनकरेज करना कि लैंग्वेज जो भी कॉम्प्लेक्स पर्पज से यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये है कि जहाँ पे भी जैसे स्पोकन के लिए आप जाते हैं, इंग्लिश स्पोकन करनी है, कोई लैंग्वेज स्पोकन करनी है, तो वहाँ का एटमोसफेयर इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि आप उसी लैंग्वेज को बार 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 बोलें, उससे वर्ड्स आपके रिपीट होंगे, वर्ड्स का आपको करेक्शन पता चलेगा, कहां मिस्टेक करें, वो सब चीजें आपको समझ में आती हैं। इसके अलावा वाइड वोकैबुलरी व्हेन टॉकिंग टू देम, तो अलग अलग तरीके की वोकैबुलरीज को यूज करना चाहिए। एक ही वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यही चीजें यहां पे आपको पूरी एक्सप्लेन करी हुई है, आप जूम करके सॉरी वीडियो को पॉज करके भी ये देख सकते हैं। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है स्पीच प्रॉब्लम। यू वुड हैव लर्न दैट द साउंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज इज डिफाइंड फोनेटिक एंड फोनोलॉजी। जो स्पीच प्रॉब्लम होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत इसमें दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे कुछ स्पीच प्रॉब्लम्स दे रखे हैं जो कि वेरी करती हैं किसी भी बच्चे में किस तरीके से। एक आता है वॉइस, ये क्या होता है, मेंटल एबिलिटी हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है, या कोई चीज़ आपने किस तरीके से सुनी है, डाउन सिंड्रोम है, चिल्ड्रन हु स्पीक टू सॉफ्टली टू लाउडली और इना, मतलब कि यहाँ पे ये बता रखा है आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं काफ़ी ना सॉफ्टली बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, उनकी चीज़ें समझ में आती है, कुछ काफ़ी फास्ट बोल देते हैं नहीं समझ में आता। जैसे कई बार मेरा भी होता होगा कि मैं बहुत फास्ट बोल जाती हूँ, तो हो सकता है आप में से किसी को समझ में ना आए, बहुत लाउडली किसी ने बोल दिया, तो वॉइस बहुत मैटर करती है। इसके अलावा जो आर्टिकुलेशंस होता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना बेबीश वे में बोलते हैं, बड़े हो जाते हैं लेकिन स्टिल बहुत ही ना ऐसे बेबीश वे में बोलते हैं जैसे बच्चे बोलते हैं, तो वो बहुत गंदा सा भी लगता है, से नहीं बोलना चाहिए। तो आर्टिकुलेशन में यही चीज आती है कि आप उन वर्ड्स को ऐसे प्रोनाउंस करें जैसे बच्चे करते हैं, और कुछ ऐसे क्यूटनेस के लिए भी करते हैं, होते होंगे, लेकिन ये चीजें होती हैं कि मैच्योरिटी को काफी हद तक कम कर देती हैं। तो आर्टिकुलेशन पे भी स्पीच प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बहुत से वर्ड्स होते हैं बच्चों के साथ में बच्चों के जैसे बोलने पड़ जाते हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है स्टैमरिंग और स्ट्रटरिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकला के बोलना, जैसे आसपास में आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स जो होते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं काफ़ी हकला के बोलते हैं, समटाइम्स वो पूरा एक बार में नहीं बोल पाते। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है माई ब ब ब ब ऐसे एफ फो फोर इस तरीके से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊँ, मजाक के सेंस में नहीं, बट ये सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वो काफ़ी सेंटेंसेस को पूरा प्रॉपर नहीं बोल पाते और काफ़ी टाइम लगता है उनको चीज़ों को बोलने में। सो यही जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे वन बाय वन इसको समझा रखा है, जैसे हेल्पिंग चिल्ड्रंस हु हैव डिफिकल्ट विद द वॉइस, सॉरी यहाँ पे बता रखा है जिनको वॉइस में दिक्कत है उनकी हेल्प करी जा सकती है। इसके अलावा हेल्पिंग चिल्ड्रंस ओवरकम स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग, जिनको हकलाने की प्रॉब्लम है उसको भी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। जैसे वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन्हें बार बार चीज़ों को रिपीट करवाया, रीडिंग प्रॉब्लम्स डाली, या फिर किसी को कुछ फिजिकल दिक्कत भी हो सकती है जैसे कि अस्थमा नेजल वगैरह से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी वॉइस की दिक्कत आती है उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। स्टैमरिंग का मतलब जो हकलाना होता है उसको कैसे यहाँ पे देखिए कैरेक्टराइज किया गया है, स्टैमरिंग इज अ कैरेक्टराइज बाय द कैरेक्टरिस्टिक रिपीटेशन ऑफ साउंड स्टॉप्स, यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करना, अल्फाबेट्स को रिपीट करना, वो आता है स्टैमरिंग में, हकलाने में। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है आपको एन अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ सेगमेंट सेलेबल वर्ड्स और फ्रेज, जैसे वर्ड्स है कैटरपिलर है, तो इसको बहुत स्ट्रेच में खींचा हुआ है, तो ऐसे वर्ड्स को जब आप बोलते हैं ना तो ये स्टैमरिंग में आता है। इसके अलावा इसमें जो एयर फ्लो होता है वो बहुत ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि जैसे आप बोलते हैं ना वर्ड्स बीच बीच में आपके ब्रेक होने लग जाते हैं, आप वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, और स्टैमरिंग में ये चीज़ बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पे ही हकलाए या किसी पे भी, तो वो बहुत बार कॉन्टिनेशन में बोलने का जब ट्राई करते हैं तो उनको ये दिक्कत काफ़ी बार फेस करने को मिलती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से स्पीच से ये चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है।
यहाँ पे ये चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट बता रखी हैं। इसके अलावा बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हो सकता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड सेइंग सर्टेन वर्ड्स विच प्रोड्यूस डिफिकल्टी, जो वर्ड्स डिफिकल्ट प्रोनाउंस करते हैं, स्पेशली इन बायोलॉजी ना, बायो में बहुत से वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता। इवन जब मैं भी ये चीज़ें पढ़ती हूँ आपको, इंग्लिश या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो उस टाइम पर कई वर्ड्स काफ़ी डिफिकल्ट से मुझे लगते हैं, तो समझ में नहीं आता कि उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाए। अनदर डिफेक्ट इज कॉल्ड क्लटरिंग। अभी ये जो डिफेक्ट्स आपको बताएं, इसके अलावा कुछ और डिफेक्ट्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि क्लटरिंग, इसमें जो बच्चे की जो स्पीच होती है वो अनइंटेलिजिबल हो जाती है, इसमें ऐसे वर्ड्स का इम्प्रॉपर फ्रेजिंग हो गई, या पॉजेस कहाँ देने हैं, कहाँ पे एक्सेसिव स्पीड होनी चाहिए, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती, सेंटेंस कब कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है ये चीज़ भी समझ में नहीं आती, तो ये क्लटरिंग दिक्कत होती है। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको प्लीज़ कर लेना, फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट स्पीच क्या होती है। फ्लुएंसी का मतलब होता है वर्ड्स को फ्लुएंसी के साथ बोलें, एक स्पीड में बिना अटके, बिना चीज़ों को ब्रेक करें। नॉन फ्लुएंट मतलब कि आप अटक अटक के चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो आता है नॉन फ्लुएंसी में। इसके अलावा स्ट्रेटिंग हैपन्स इन फोर फेजेस, यहाँ पे आपको स्ट्रेटिंग का बता रखा है कि वो फोर फेजेस में होती है, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं, चाहे तो कर लेना चाहे मत करना, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कुछ रेमेडियल मेजर्स, मतलब कि क्या क्या जो रेमेडीज़ हैं, क्या किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स है, स्पीच प्रॉब्लम्स है, इनको ओवरकम किया जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ स्टटरिंग। देखिए मैं काफ़ी फास्ट इस चीज़ को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप अपने चीज़ों को, मैं जितना समझाया उसके बाद में अपने थॉट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ एनजाइटी और द आफ्टर मैथ ऑफ एक्सीडेंट चाइल्ड स्टीम, मतलब यहाँ पर ये बता रखा है जैसे सपोज किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को किसी चीज़ का गहरा सदमा पहुँचता है, तो उस चीज़ से ओवरकम करने में बच्चे को टाइम लगता है, तो वहाँ पर एक तो एनकरेजिंग बिहेवियर होना चाहिए कि हाँ वो चीज़ कर सकते हैं, एक रिलैक्सेशन टेक्निक होनी चाहिए, इसके अलावा बहुत ही पोलाइटनेस होनी चाहिए, बहुत ही प्यार से चीज़ों को उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे अप्रोचेस दे रखे हैं, जैसे कि स्पीच ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड बाय रिदम वगैरह यूज़ करके, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको यूज़ करके एक स्पीच ट्रेनिंग देनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, उनको वो चीज़ को बोले, वर्ड्स जहाँ पे उनको दिक्कत कर रहे हैं, प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, उन चीज़ों को बार 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 रिपीट किया जाए, और या फिर कुछ रिवॉर्ड्स रखे जाएँ कि अगर उन्होंने उस चीज़ को इतने अच्छे से बोला, सो इससे क्या होता है, एक एनकरेजमेंट मिलती है, बच्चे को पता चलता है कि हाँ इसका उनको कुछ और रिवॉर्ड मिलने वाला है, कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो काफ़ी बड़े हों, काफ़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव, छोटे छोटे वर्ड्स रिवॉर्ड्स और गोल्स को भी बच्चे अचीव करके काफ़ी उनको खुशी मिलती है, तो ये आता है रेमेडियल मेजर्स में। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम विद आर्टिकुलेशन। यहाँ पे आपको दे रखा है प्रॉब्लम विद आर्टिकुलेशन। इट इज़ बिलीव दैट द बाय द एज ऑफ 7 to 8 years old मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वुड हैव अक्वायर्ड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर साउंड। ये आपको ना यूनिट के स्टार्टिंग में बता रखा है, एट द एज ऑफ 7 or 8 years ना बच्चे को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, सेंटेंस वगैरह फॉर्मेशन आ जाती है, काफ़ी साउंड्स को प्रोड्यूस करना आ जाता है। देर आर हाउस एवर सर्टेन चिल्ड्रंस हु हैव डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग सर्टेन साउंड्स, और बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, और ये कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हो सकते हैं अगर सेम क्लास में ही बच्चा पढ़ रहा है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर मानिए एक क्लास है उसमें 40-45 स्टूडेंट्स है, तो उनमें से आपको ना बहुत रेयरली कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जिसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, हकलाने की प्रॉब्लम हो, या वर्ड्स को ज़्यादा अच्छे से समझने की दिक्कत हो, तो ये रेयर केसेस ही मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको अल्फाबेट्स दे रखे जिनके साउंड में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आपको दे रखा है सम पॉलीसेलेबिक वर्ड्स कैन पॉज डिफिकल्टीज लाइक क्रिसमस हो गया, टूथब्रश हो गया, जैसे कि ये वर्ड है क्रिसमस, अब इसे नॉर्मल वर्ड कोई पढ़ेगा तो इसको क्रिस्टमस पढ़ेगा, तो टी भी पढ़ा जाएगा, लेकिन आप जब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे टी साइलेंट है। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ वर्ड साउंड होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है वेडनेसडे, वेडनेसडे बहुत लोग बोलते होंगे लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वेंसडे, जहाँ पे डी साइलेंट हो जाता है। देखिए सब लोग डेज ऑफ वीक पढ़ते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कहीं पे भी आप जाते हैं ना, डेज आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, लेकिन स्टिल जो वेंसडे और वेंसडे है ना, इसकी प्रोनंसिएशन कई लोगों में आपको देखने को दिक्कत मिलती है। सो ये जो रॉन्ग स्पेल होता है या जो रॉन्ग वर्ड का स्पीच होता है, ये भी काफ़ी दिक्कत करता है। इसके अलावा सम कैन नॉट प्रोनाउंस डी इन द इनिशियल पोजिशन एज इन डिनर, टिनर, यहाँ पे बता रखा है कि जैसे कुछ लोग ना डी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत गड़बड़ करते हैं, वो डिनर की जगह टिनर बोल देते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं जिसमें कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, किसी से भी हो सकती है।
मीन वाइल एज यू टीचर यू कैन डू द फॉलोइंग. अगर आप ऐसा टीचर हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर आपको इन चीज़ों से ओवरकम करना है, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, बच्चे में इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो आप ऐसा टीचर ये स्टेप्स ले सकते हैं. जैसे कि जो पोजिशन ऑफ टंग है उसको करेक्ट कर सकते हैं. पोजिशन ऑफ टंग का मतलब ये नहीं कि आप टंग को ही निकाल के अलग तरीके से रिप्लेस कर देंगे. पोजिशन ऑफ टंग मतलब जहाँ पे भी वो बच्चे कुछ बोल रहा है, प्रोनाउंस कर रहा है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, डिमॉन्स्ट्रेटिंग कर सकते हैं. इसके अलावा जो प्रॉब्लम साउंड्स होते हैं प्रोलंग पीरियड्स तक, काफ़ी टाइम तक जो साउंड की दिक्कत है उसको ओवरकम किया जा सकता है काफ़ी लंबी प्रैक्टिस के बाद में. टंग ट्विस्टर्स का यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली जो स्पोकन होते हैं ना वहाँ पे टंग ट्विस्टर्स का यूज़ किया जाता है इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए. इसके बाद में गाइस चेक योर प्रोग्रेस 2 आता है. और सीरियसली आई रियली वेरी सॉरी अगर बहुत फास्ट आप लोगों को लग रहा हो, लेकिन मेरा ट्राई है कि काफ़ी चीज़ें ये ना इजी हैं तो आप जल्दी समझ भी लेंगे और टॉपिक्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे. सिर्फ इसलिए मैं इसको करी हूँ. और जहाँ पे काफ़ी बार ज़रूरत है समझाने की या फिर जहाँ पे स्लो बोलना है वहाँ मैं स्लो भी समझा देती हूँ. और इसके अलावा अगर मेरी वॉइस सच में टॉर्चर लगती हो तो प्लीज़ 2x में सुन लीजिएगा, इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं, लेकिन मजबूरी आप सबका अभी ये पढ़ना ही है. नाउ क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस 2 में, व्हाट आर द कॉमन इंडिकेटर्स दैट अ 7-year-old चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलप नॉर्मली. क्या क्या कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं 7-year-old चाइल्ड, जो बच्चा है उसका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है. पेज नंबर 43 पे आपको इसका आंसर मिलेगा. ये रहे ये चीज़ें. अगर आप किसी बच्चे में देखते हैं किसी साउंड को डिफ़िकल्टी है, कोई नेगेटिविटीज़ है उसको यूज़ किया जा रहा है, ग्रामर है, टेंस है उसको करेक्टली यूज़ किया जा रहा है, तो ये सब क्वालिटीज़ बताती हैं कि जो बच्चा है उसको में अंदर कोई भी लैंग्वेज को लेकर डिफ़िकल्टीज़ नहीं है. तो क्वेश्चन 1 का आंसर आप यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं. समझा, मैंने पहले इसीलिए दिया था ताकि आपको चेक योर प्रोग्रेस में बिल्कुल भी टाइम ना लगे. इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच आर दीज 3 कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम्स दैट आर टीचर्स मे कम अक्रॉस. कौन सी 3 लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो टीचर्स को फेस करनी पड़ती हैं. पेज नंबर 44 पे इसका आंसर है. और ये रही 3 प्रॉब्लम्स. फर्स्ट आता है रिसेप्टिव डिफिकल्टी, सेकेंड वन इज लैंग्वेज डिफिकल्टी, एंड नंबर 3rd इज स्पीच प्रॉब्लम. ये 4-3 टाइप की डिफिकल्टीज हैं या ये दिक्कतें हैं जो एक टीचर को फेस करनी पड़ती हैं. यहाँ पे आपको इनको ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं आप. इसके बाद में गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेजर डिफिकल्टीज इन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन. जो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन ही कहते हैं ना इसे, हाँ जी ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती हैं. सो आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 44 और 45 पर. ये रहा पेज नंबर 44. यहाँ पे मेन हेडिंग दे रखी है डिफ़िकल्टीज इन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन. आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं. और ये पॉइंट है ये बहुत मेन है. ये देखिए ये जो स्टार्टिंग का है ना ये इंट्रो दे रखा है और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट है सेम और डिफरेंट, सेकेंड वन इज़ लिसनिंग गेम, थर्ड वन इज़ फोनिक एक्टिविटी गेम्स, राइमिंग गेम्स, एलिट्रेशन एंड वर्ड फैमिलीज. यहाँ तक का आपको आंसर 3 कंप्लीट करना है. ये अंडरलाइन मैंने कर दिया है. इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन अ फ्यू सिम्टम्स दैट इंडिकेट लैंग्वेज डिसऑर्डर. कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर है. पेज नंबर 45 पे आपको इसका आंसर मिलेगा. एंड हियर इट इज़. ये रहा पेज नंबर 45 और ये लैंग्वेज डिसऑर्डर के ये सिम्टम्स हैं. आंसर बहुत छोटू सा है, आप आराम से यहाँ से लर्न कर सकते हैं. ये हो गया लैंग्वेज डिसऑर्डर, तो यहाँ से आप इसको आंसर को कम्प्लीट कर सकते हैं. इसके बाद में कहा इस नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि लास्ट क्वेश्चन है इसका. ब्रीफली डिस्क्राइब द रेमेडियल मेजर्स टू हेल्प चिल्ड्रन ओवरकम लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़. कुछ आपको रेमेडीज़ बतानी है. इसका आंसर देखिए पेज नंबर 47 पे. यहाँ पे आपको कुछ रेमेडीज़ दे रखे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं. और जब ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है ना तो वहाँ पे आपको कुछ हिंट दे रखे हैं चेक योर प्रोग्रेस के लिए. सो वहाँ से भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. ये कुछ आपको रेमेडीज़ दे रखे हैं किस किस चीज़ से आप ये बच्चे की या किसी की भी ये जो दिक्कत है इसको ओवरकम कर सकते हैं. सो फाइनली चेक योर प्रोग्रेस 2 कंप्लीट हो गया है. अब इस यूनिट में 2 चेक योर प्रोग्रेस और रहते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी. नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.